हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द फिबिल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम एमपीपीएससी एई एग्जाम के लिए जो है मध्य प्रदेश जीके का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो है आपके 4 से 5 क्लास जो है लग जाएंगी इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी। और इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया, मध्य प्रदेश का फिर पुनर्गठन कब किया गया, मध्य प्रदेश में जो है ब्रिटिश साम्राज्य की एंट्री कब हुई और मध्य प्रदेश का निर्माण जो है कहां से प्रारंभ हुआ, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश वाले टॉपिक में, है ना। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मैप ऑफ एमपी, मतलब कि मध्य प्रदेश का मानचित्र कैसा है और 1947 से पहले मध्य प्रदेश का मानचित्र कैसा था, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम मैप ऑफ मध्य प्रदेश के टॉपिक वाले में। फिर तीसरा जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो रहेगा डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश में कौन से जिले का निर्माण किस जिले से अलग करके किया गया, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कब बनाया गया, ये सारी चीजों का जो है डिस्कस करने वाले हैं हम किसके अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश है, मतलब कि मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन किया गया तब कितने जिले थे, है ना। मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, कितने संभाग थे, है ना। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने संभाग है, ये सारी चीजें जो है हम इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करने वाले हैं, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो स्टैटिक फैक्ट रिलेटेड टू मध्य प्रदेश इंट्रोडक्शन, है ना। मध्य प्रदेश के परिचय से संबंधित जितने भी स्टैटिक फैक्ट हैं कि मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है, ये सारी चीजें, मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट कितनी है, ना मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीजें जो स्टैटिक फैक्ट के अंतर्गत आती हैं, ये सारी चीजें जो है हम इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी वाले में ही कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा चौथा टॉपिक हो जाएगा। और हमारा जो पांचवा टॉपिक हो जाएगा बाउंड्री लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो किन किन राज्यों के साथ लगती है। जैसे देखें मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा राजस्थान के, मध्य प्रदेश की वेस्टर्न जो सीमा लगती है वो गुजरात के साथ, और मध्य प्रदेश की साउथ सीमा जो लगती है वो महाराष्ट्र के साथ, और मध्य प्रदेश की जो ईस्ट सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ के साथ। तो इसके बारे में भी पढ़ने वाले, साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के कितने जिले जो है उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, और उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो है प्रदेश के मतलब कि मध्य प्रदेश से जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है, इन सारी चीजों का जो है डिस्कस हम करने वाले हैं बाउंड्री लाइंस ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है ना। अगला जो हमारा और लास्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी वाले में, इसमें हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिलेटेड टू मध्य प्रदेश इंट्रोडक्शन। तो अब तक आपके चाहे वो एमपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे व्यापम के द्वारा कराया गया कोई भी एग्जाम हो, उन एग्जाम में जितने भी एमपी जीके के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हों, चाहे स्टैटिक फैक्ट से जो है क्वेश्चन पूछे गए हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन से क्वेश्चन पूछे गए हों, अब तक पूछे गए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उन सारी क्वेश्चन का जो है हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा एकदम विस्तार पूर्वक, ये करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी वाले में। मतलब कि हम पहले तो टॉपिक पढ़ेंगे फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि जितना हम पढ़ रहे हैं क्या उससे जो है क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे, है ना। इससे आपकी प्रिपरेशन भी जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक ना। अगला जो हमारा आता है पार्ट वो हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा पार्ट हमारा जो होगा हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के इतिहास को जो है हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो आ जाएगा आपका एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा आ जाएगा मिडिवल हिस्ट्री, और तीसरा जो आ जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। ये 3 पार्ट्स में जो है हम मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं तो इसमें जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं इपिग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सा अभिलेख है और कौन सा अभिलेख कहाँ स्थित है, चाहे एरन अभिलेख की बात करूं, चाहे सागर में स्थित है ना, यहाँ पे फतेह प्रथा के बारे में जो है हमें पहली बार
जानकारी प्राप्त हो। इन फब अभिलेख जो मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं और उनकी जो भी विशेषताएं हैं व लक्षण हैं, इन फब के बारे में जो है हम इस टॉपिक के अंतर्गत जो है पढ़ने वाले हैं। क्वाइंस इन मध्य प्रदेश या कॉपर प्लेट, मतलब कि मध्य प्रदेश में कौन से सिक्के कहाँ पाए गए थे, कौन से सिक्के जो है किस शासक के द्वारा चलवाए गए थे, किसके शासनकाल में चलवाए गए थे, ये सारी चीज़ें जो है हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखने वाले हैं। अगला जो हमारा आ जाएगा, हिस्ट्री ऑफ स्टोन एज इन मध्य प्रदेश, पूर्व पाषाणकाल या पाषाणकाल में जो है मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने वाले हैं। अगला जो हमारा रहने वाला है, हिस्ट्री ऑफ चालकोलिथिक पीरियड, मतलब ताम्र पाषाणकाल में मध्य प्रदेश का इतिहास कैसा रहा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं वैदिक पीरियड इन मध्य प्रदेश, मतलब वैदिक सभ्यता के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या इसका योगदान रहा, ठीक है ना। अगला जो हमारा आ जाएगा, जनपद पीरियड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जनपद पीरियड का इतिहास हम पढ़ लेंगे, जनपद युग कैसा था मध्य प्रदेश में, और महाजनपद युग के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश में महाजनपद युग कैसा था, है ना। अगला जो है मौर्य पीरियड, मौर्य जो है पीरियड, मौर्य काल जो है मध्य प्रदेश में, मौर्य काल का क्या योगदान रहा, है ना, कौन कौन से शासक हुए मौर्य के, है ना, मध्य प्रदेश में, ये सारी चीज़ें, और उन्होंने जो है मध्य प्रदेश में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है योगदान दिया अपना, और गुप्ता पीरियड के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं इफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत। फिर अगला जो हमारा आ जाएगा, अगला जो आ जाएगा पार्ट हमारा मिडवल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है दिल्ली सल्तनत की एंट्री कब हुई, कौन कौन से शासक जो है मध्य प्रदेश के शासकों के साथ युद्ध किए, उनका क्या महत्व रहा, क्या उनकी विशेषताएं थी, है ना, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं ये मिडवल हिस्ट्री के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश में दिल्ली सल्तनत की जो है एंट्री कब हुई, मध्य प्रदेश में दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से शासक आए, है ना, ये सारी चीजें जो है हम इसके अंतर्गत जो है डिस्कस करने वाले हैं। अगला हम पढ़ने वाले हैं फरुक्की रूल्स इन निमाड़ में जो है फरुक्की शासन के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा मिडवल हिस्ट्री के अंतर्गत वो रहेगा मध्य प्रदेश ड्यूरिंग मुगल पीरियड, मध्य प्रदेश का इतिहास जो है मुगल साम्राज्य के दौरान कैसा था, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं ना मिडवल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अगला जो हमारा ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वो आ जाता है मध्य प्रदेश में जो है इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण रियासत कह सकते हैं या महत्वपूर्ण वंश के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। यहां पे भी जो है आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो हमारा होगा वो गोड प्रिंसली स्टेट, मतलब गोड रियासत के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। दूसरा जो हमारा हो जाएगा सिंधिया प्रिंसली स्टेट, सिंधिया रियासत के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अगला हो जाएगा भोपाल प्रिंसली स्टेट, भोपाल रियासत के बारे में पढ़ने वाले हैं। होलकर वंश और होलकर प्रिंसली स्टेट, होलकर रियासत के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, है ना। अगला आ जाएगा हमारा बुंदेलखंड प्रिंसली स्टेट, मतलब बुंदेलखंड रियासत के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अगला आ जाएगा बघेलखंड प्रिंसली स्टेट, और जो भी अदर डायनेस्टी है जैसे चंदेरा वंश हो गया, फुंग वंश हो गया, है ना, इन सब के बारे में, कलचुरी वंश हो गया, इन सब के बारे में भी हम जो है पढ़ने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है मध्य प्रदेश की, है ना। तो एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं इसके कौन कौन से शासक हुए, कौन से शासक ने मध्य प्रदेश में कौन से काम करवाए, है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए ये वाला जो पार्ट है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो है आधुनिक इतिहास कैसा रहा, है ना। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो पहला जो हमारा पार्ट होने वाला है वो होने वाला है पहला टॉपिक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश स्टेट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, है ना, मतलब मध्य प्रदेश में जो है ब्रिटिश साम्राज्य की एंट्री कब हुई, है ना, उन्होंने किसके साथ युद्ध लड़ा। तो मध्य प्रदेश के सागर, नर्मदा, दमोह जैसे क्षेत्रों को अपने क्षेत्र मतलब अपने नियंत्रण में ले लिया, ये सारी चीजें जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। मेजर रिविलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट, मतलब ब्रिटिश के विरुद्ध जो है कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण सत्याग्रह किए गए, कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है विद्रोह किए गए, ये सारी चीज़ें भी हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। और जो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे इसके बारे में भी जो है हम कवर करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में ही, है ना। अगला जो हमारा आने वाला है टॉपिक वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 और 1857 की क्रांति के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, और इसमें जो है मध्य प्रदेश के लोगों का क्या योगदान रहा, है ना। 1857 की क्रांति में जो है मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों का क्या
योगदान रहा है ना नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं ना, कौन कौन से विद्रोह चलाए गए है ना। अगला जो हमारा आ जाएगा लास्ट में वो आ जाएगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू मध्य प्रदेश हिस्ट्री। तो मध्य प्रदेश हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हो, चाहे वो MPPSC का हो, चाहे MPPSC AE के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हो, चाहे मध्य प्रदेश के व्यापम के किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हो, मध्य प्रदेश हिस्ट्री से रिलेटेड उन सब का जो है डिस्कस हम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास पढ़ने के बाद लास्ट में जो है इसका कवर करने वाले हैं। कम से कम 400 से 500 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सब का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। इतनी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। फिर हम आ जाएंगे अपने अगले पार्ट की ओर, जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जियोग्राफी, मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये भी जो है एग्जाम में जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए। यहाँ पे मध्य प्रदेश के कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, यहाँ पे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाना है, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक ना। यदि मध्य प्रदेश GK पूछा जा रहा है तो इसके अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक होगा फिजियोग्राफी रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो है भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाग के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं ना, कि मध्य प्रदेश के कितने भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला जो आ जाएगा हमारा टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र, जैसे हम बात करें गंगा नदी अपवाह तंत्र है, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है, गोदावरी अपवाह तंत्र है, माही अपवाह तंत्र है, महानदी अपवाह तंत्र है, तो ये अपवाह तंत्र को तंत्रों के बारे में भी जो है हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश में जो है रिवर्स कौन कौन सी है ना, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है ना, है ना, और मध्य प्रदेश पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, कौन सी नदी गंगा नदी में मिलती है, कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश की यमुना नदी में मिलती है, कौन सी नदी जो है खंबात की खाड़ी में मिलती है, कौन सी नदी जो है बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ये सारी चीजें, और कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, और जो भी मध्य प्रदेश की नदियां हैं उनकी विशेषताएं क्या है, उसमें कौन कौन से डैम बनाए गए हैं, इन सारी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं हम रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और मध्य प्रदेश में जो है नदियों के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सा शहर नहीं बसा हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, सोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है मध्य प्रदेश का, और इंदौर से किस नदी का जो है उद्गम होता है, इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इन सारी चीजों का है जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और कौन सा टॉपिक रहने वाला है हमारा रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। अगला जो है क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जलवायु के बारे में भी हम बात करने वाले हैं ना, कि मध्य प्रदेश में जो है किस मानसून से जो है ज्यादा बर्फा होती है ना, ये सारी चीजें। फाइल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में भी बात करने वाले, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, है ना, ये सारी चीजें, कौन से रीजन में पाई जाती है ना, काली मिट्टी की विशेषताएं क्या है, लैटेराइट मिट्टी की विशेषताएं क्या है, एक एक करके अच्छे से जो है डिस्कस करने वाले। एग्रीकल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में भी जो है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है मक्का उत्पादन के लिए प्रथम है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश में जो है कह सकते अफीम के लिए कौन सा जिला जाना जाता है ना, मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक जिला कौन है, है ना। इस प्रकार से जो है हम एक एक चीजें कवर करने वाले हैं। एग्रीकल्चर मतलब सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, गेहूं उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मक्का उत्पादन में कौन सा स्थान है, और दाल मतलब अरहल उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है ना, ये सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, है ना। अगला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जियोग्राफी का, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश के वन के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम नेशनल पार्क के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। नेशनल पार्क में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि मध्य प्रदेश का पहला जो है नेशनल पार्क कौन सा था, मध्य प्रदेश जैसे कान्हा नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। कि कान्हा नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कब शामिल किया गया, मध्य प्रदेश में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं, कौन से टाइगर प्रोजेक्ट को हाल ही में यूनेस्को की श्रेणी में जो है घोषित किया गया है, कौन से टाइगर रिजर्व व नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है ना, ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, भोपाल में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, हाल ही में मध्य
के किफ नेशनल पार्क में स्थित झील को रामफर फाइड में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के किफ नेशनल पार्क से जो है दो नेशनल हाईवे गुजरते हैं। ये सारी चीजें एक एक करके जो है हम पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के किफ नेशनल पार्क में जो है चीते लाए गए हैं, है ना, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं। नेशनल पार्क के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जो भी वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा जो है वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, है ना, जैसे अभी बात करें दुर्गा जो है वती टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा भी की गई है ना, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, रातापानी कहाँ है, है ना, राला मंडल अभयारण्य कहाँ है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगला जो हमारा आ जाएगा मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, बालाघाट जो है कौन से खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, मलाज खंड क्यों प्रसिद्ध है, तावा नगरी किसे कहते हैं, और जो भी मैग्नीज से रिलेटेड जो भी बालाघाट में खनिज पाए जाते हैं उनकी डिटेल्ड जो है नोट्स भी बनवाऊंगा, अच्छे से डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक, है ना। अगला जो है इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है ना, नोट प्रेस कारखाना कहाँ है, और कह सकते हैं अखबारी कागज उद्योग कहाँ है मध्य प्रदेश में, ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ है, है ना, नहीं है ना, एक एक चीजें मध्य प्रदेश के इंडस्ट्री से रिलेटेड, है ना। और अगला जो है सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश, ये अकॉर्डिंग जो है अकॉर्डिंग टू 2011 के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जो है जनगणना, मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट क्या है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत में कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा संभाग कौन सा है, और जो है घटते क्रम में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के 5 संभाग और 5 जिले, है ना, ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला व संभाग कौन सा है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला व संभाग कौन सा है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कह सकते हैं, भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जो है जिला कह सकते हैं, ये सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। फिर अगला जो हमारा टॉपिक आ जाएगा मेजर डैम्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की नदियों पर कौन कौन से महत्वपूर्ण डैम बनाए गए हैं, इंदिरा सागर जलाशय कह सकते हैं, ओंकारेश्वर डैम कहाँ है, सरदार सरोवर डैम कहाँ है ना, ये सारी चीजें। लेक एंड वाटरफॉल मध्य प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट झील है कह सकते हैं और जलप्रपात है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट में हम कवर करने वाले हैं PYQ मध्य प्रदेश के जो भी जियोग्राफी से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम, चाहे वो MPPSC कहो या MP व्यापम कहो, इन सभी एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जियोग्राफी से रिलेटेड जो मध्य प्रदेश का है, उन सब का जो है डिस्कस करने वाले हैं कि करके सारे क्वेश्चन हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो है आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया था और ये पूछा भी जा सकता है ना। तो जितना भी आपको कराया जाएगा वो बेहतर तरीके से कराया जाएगा और बेस्ट कंटेंट के साथ कराया जाएगा, है ना। अगला जो हमारा पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा टूरिस्ट एंड जो है रिलीजियस प्लेस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, कौन कौन से धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, इसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो टूरिज्म पॉलिसी इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है पर्यटन जो कह सकते हैं कि नीति कब लाई गई थी, इसकी क्या विशेषताएं थी, है ना। और अगला टॉपिक होगा मेजर टूरिस्ट प्लेस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्या महत्व है, है ना, ये भी पढ़ने वाले हैं। और वे जो मेजर टूरिस्ट प्लेस हैं वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, है ना। रिलीजियस जो टूरिस्ट प्लेस है मध्य प्रदेश में, मतलब धार्मिक पर्यटन स्थल है। और अगला जो है नेचुरल जो पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश में, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा टॉपिक वो म्यूजियम इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कौन सा संग्रहालय कहाँ स्थित है ना, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। अगला जो है यूनेस्को साइट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कौन कौन से स्थल को, यह कह सकते हैं कि कौन कौन से पर्यटन स्थल को जो है यूनेस्को की साइट में जो है शामिल किया गया है, और फर्स्ट टाइम जो है मध्य प्रदेश के किस स्थल को जो है यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था, जैसे खजुराहो का, है ना, ये सारी चीजें, है ना। और मेजर टेम्पल्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कौन कौन से प्रमुख मंदिर है ना, ये भी पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक पढ़ने के बाद, है ना। टूरिज्म और जो है ये रिलीजियस प्लेस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए, है ना। अगला जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है
स्पोर्ट्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो है खेल है ना, इसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक होगा मेजर स्पोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल कौन कौन से है ना, और मध्य प्रदेश का जो है राजकीय खेल क्या है, मलखम है ना, मलखम को जो है कब राजकीय खेल घोषित किया गया है ना, और मेजर स्पोर्ट्स एकेडमी, मतलब कि ये जो है टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रमुख खेल अकादमियां है ना, जैसे मैं पूछू फूटिंग अकादमी क्या है, कहां स्थित है मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में जो है वाटर स्पोर्ट्स अकादमी कहां स्थित है, टेबल टेनिस अकादमी कहां स्थित है, तीरंदाजी अकादमी कहां स्थित है, मलखम अकादमी कहां स्थित है ना, पुरुष हॉकी अकादमी कहां स्थित है, महिला हॉकी अकादमी कहां स्थित है ना, बैडमिंटन अकादमी कहां स्थित है, ये सारी चीजें जो है हम मेजर स्पोर्ट्स अकेडमी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम है ना, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है ना, ये सारी चीजें, होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है ना, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है ना, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं ना। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट अवार्ड, मतलब कि इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट अवार्ड है, जैसे हाल ही में जो है विक्रम अवार्ड दिया गया है, इसमें आपका करंट अफेयर्स भी शामिल होगा है ना, इससे रिलेटेड जो है करंट जो स्पोर्ट्स में है इंपॉर्टेंट, हालांकि सभी टॉपिक में जो भी अपडेट हुए हैं वो करंट अफेयर से रिलेट करके ही पढ़ाऊंगा है ना, तो इसमें करंट अफेयर भी जो है स्पोर्ट वाले में शामिल कर लीजिएगा। जैसे हाल ही में जो है स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, विक्रम अवार्ड दिया गया है ना, एक क्लब अवार्ड दिया गया है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड दिया गया है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं ना, एक क्लब अवार्ड भी दिया गया है ना। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स प्लेयर है ना, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जो है प्रमुख जो है खिलाड़ी हैं और वे किस खेल से संबंधित हैं और मध्य प्रदेश के किस जिले से वे संबंध है ना, जैसे स्वतंत्र सिंह लोहिया की बात करो है ना, तो ये तैराकी कह सकते हैं, ये पैरा तैराकी है ना, पैरा स्विमर, ये कहाँ से है, ग्वालियर से है ना, तो ये चीजें आपको अच्छे से जो है कराई जाएंगी इस टॉपिक के अंतर्गत, करेंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाया जाएगा है ना। अवार्ड्स एंड ऑनर्स है ना, मेजर जो अवार्ड है मध्य प्रदेश के, जैसे कबीर सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान है ना, और जैसे इकबाल सम्मान उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है, कुमार गांधर्व सम्मान, इन सब के बारे में एक एक करके जो है, पहली बार ये अवार्ड किसको दिया गया था है ना, लास्ट टाइम 2022 में किसको दिया गया है, या 2021 में लास्ट टाइम दिया गया था, या तो ये किसको प्रोवाइड कराया गया था, इसमें कितने पुरस्कार राशि दी जाती है ना, और ये किस क्षेत्र के में दिया जाता है ये अवार्ड, इन सब के बारे में जो है एक एक करके अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फिर इससे रिलेटेड जितने भी PYQ होंगे वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो हमारा हो जाएगा ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, और ट्रांसपोर्ट्स कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्ट्स इन मध्य प्रदेश ना, मध्य प्रदेश में परिवहन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं ना, और इसमें फिर जो है रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट भी हमने शामिल किया है ना, और मेजर मैगजीन्स इन मध्य प्रदेश की प्रमुख जो है कह सकते हैं समाचार पत्र व मैगजीन पत्र पत्रिकाएं, ये सारी चीजें जो है कहां से प्रकाशित की गई थी है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत है ना। अगला जो हमारा हो जाएगा पार्ट्स लैंग्वेज एंड जो है ये हो जाएगा आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मध्य प्रदेश में जो है भाषा और साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाषा का विकास कैसे किया गया मध्य प्रदेश में है ना, और मध्य प्रदेश में जो है प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, कहाँ स्थित है ना, ये भी पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख लेखक कौन थे व रचनाकार कौन थे है ना, और मेजर पर्सन और मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति कौन थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय व जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनका काफ़ी महत्व रहा, जैसे कैलाश सत्यार्थी की बात करूँ है ना, तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके जो है अच्छे से पढ़ने वाले हैं है ना, और फिर इससे रिलेटेड जो है PYQ करने वाले हैं। अगला जो हमारा पार्ट आ जाएगा वो इकोनॉमी ऑफ MP, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसमें हम 5-ईयर प्लान पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, इंपॉर्टेंट जो वेलफेयर स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो करंट अफेयर में काफी चर्चा में भी रहे कि वे स्कीम किसके लिए चलाई गई है, पहली बार कब चलाई गई थी, मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जो प्रमुख जो चिकित्सा संस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं ना, जैसे IIT हो गया, IIM हो गया है ना, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो भी महत्वपूर्ण संस्थान है इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं ना। अगला जो हो जाएगा हमारा वो आ जाएगा लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है ना, मध्य प्रदेश में जो है लोक नृत्य और लोक गीत और चित्रकला के बारे में भी पढ़ने वाले हैं हम, और मेजर जो फेस्टिवल है, महत्वपूर्ण जो उत्सव है कह सकते हैं, फेयर भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मेले हैं, जैसे मैं बोलूँ महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, तेजाजी का मेला कहाँ लगता है, काना बाबा का मेला कहाँ लगता है, भूतों का मेला कहाँ लगता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, किस माह में लगता है, कितने दिनों के लिए लगता है, भगोरिया का मेला कहाँ लगता है ना,
ये सारी चीज़ें। रामलीला कहाँ जो है आयोजित किया जाता है, रामलीला का मेला भी आयोजित किया जाता है जैसे ग्वालियर में, है ना। ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ने वाले हैं मेजर फेस्टिवल इन मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और मध्य प्रदेश में जो समारोह है कह सकते हैं कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, जैसे हाल ही में जो है तानसेन समारोह का आयोजन किया गया है ना ग्वालियर में। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेट करके, है ना। तो ये हो जाएगा, और फिर इससे रिलेटेड जितने भी पी वाई क्यू में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर अगला जो हम लास्ट में जो है कवर करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश का जो है लास्ट एक साल का जो है करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीटली कवर करने वाले हैं, एक एक करके अच्छे से जो है इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो होप जो है ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से जो है सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से जो है आप पहले इसको समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें जो है। हालांकि कोई भी चीज़ें मध्य प्रदेश जीके का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, चाहे वो एमपीपीएससी एई का एग्जाम हो या एमपीपीएससी का एग्जाम हो या व्यापम के द्वारा आयोजित कराए जाने वाले किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए जो है ये क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो हमारे द्वारा एमपी जीके की जो है स्टार्ट की जाएगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, ठीक है ना।